बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। जी कैसा गुजर रहा है रमज़ान हमारा भी, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजर रहा है। तो आज हम बनाने के लिए थे आलू अंडे का सालन। तो आलू जो है धो के काट के रख लिए हैं, ये देखें, और अंडे भी उबाल लिए थे मैंने पहले ही, तो अब तड़का रख दिया है, वो बनता है। तो मैं आपको ज़रा मौसम का व्यू करवाती चलूँ। ये देखिए आज माशाल्लाह से मौसम हमारी तरफ साफ़ है, धूप निकली हुई है, ये देखिए बिल्कुल साफ है मौसम, शुक्र है। इसलिए चूल्हा वगैरह सारा किचन का सेटअप फिर बाहर मैंने लगा लिया हुआ है, ये देखें। तो जल्दी से सालन रेडी कर लेते हैं। सालन बना लेने के बाद फिर जो है अफ्तारी का टाइम हो जाएगा, फिर अफ्तारी की तरफ लग जाएंगे। बस अब घर घर की यही रूटीन है कि सालन बनाओ, अफ्तारी बनाओ, फिर नमाज़ का टाइम हो जाता है, ऐसे फिर थोड़ा सा टाइम गुजरता है फिर सहरी का। बस रमज़ान में सबकी रूटीन जो है वो चेंज हुई हुई है, ईद के बाद भी सबका सब कुछ नॉर्मल ही हो जाएगा पहले की तरह। अच्छा जी, आलू अंडे किस किस को पसंद है? बहुत टेस्टी और मज़े का सालन बनता है। आज मैं अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी कि गाँव में लोग आलू अंडे का सालन किस तरह बनाते हैं विलेजेस में। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को लाजमी कीजिए डेली रूटीन पर ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए। तो जी ये रेस देखें, आज इतने दिनों बाद हमारी कैट आई है, ये बैठी हुई है धूप में सामने। असल में बारिश हुई है ना दो दिन, तो थोड़ी थोड़ी अब बन जाती है सर्दी सेकेंड टाइम में। तो अब ये धूप में सामने बैठी हुई है, और देखिए सालन का मसाला हमारा तकरीबन हो गया है जी रेडी। अब इसमें हम डालते हैं आलू। अच्छा एक और बात, लोग आलू और अंडे इकट्ठे उबाल लेते हैं फिर आलू उबाल कर सालन बनाते हैं, लेकिन मैं इस तरह नहीं बनाती हूँ। मैं आलू को जो है ना ऐसे ही कच्चा मतलब उबालती नहीं हूँ, अंडे अकेले उबाली है वो रखती हैं। अब आलू का अलग से सालन बना के अच्छी तरह इसकी बुनाई करके फिर जो है आलू इसमें मिक्स करेंगे। इस तरह टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि जिस सालन की बुनाई अच्छी ना हो उसका टेस्ट जायका नहीं बनता। ये देखिए माशाल्लाह से जो फिर आलू उबाल कर बनाते हैं वो फिर फीके फीके से रह जाते हैं, सही बुनाई उनकी नहीं हो पाती, फिर वो जो है ना असल में गले होते हैं पहले, फिर बहुत ज़्यादा घुल जाते हैं। तो इसलिए जब भी आलू अंडे का सालन बनाएं, आलू को उबालने इसके बगैर ऐसे जो है ना बुनाई लगा कर फिर ही बनाएं, और फिर अंडे जो है मिक्स कर दें। ये देखिए सालन हमारा तकरीबन अब रेडी हो रहा है, पक रहा है। ये तब तक अंडे जो है वो छील कर इनको जो है पीसीस में तकसीम कर लेते हैं, ताकि फिर जैसे ही सालन पके उसमें फिर हम डाल देंगे। तो ये देखिए जी फाइनली माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक है, आलू अंडे का सालन तैयार है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।